लो जी नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। तो भाई आज अपने मॉन्स्टर को लेके जा रहे हैं भाई, क्या कहते हैं मझोला, ठीक है भाई। तो देखो भाई आज देखते हैं इस पर कुछ नया सा कुछ और मॉडिफिकेशन करवा के लाते हैं भाई। एक हमने सोच रखा है क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन के लिए ना, इसका सिलेंसर चेंज करते हैं। तो वो स्टील का सिलेंसर भाई देखता हूँ, एक तो वो आते हैं बने वो नहीं, अलग से भाई कुछ अलग करवाते हैं अगर हो गया तो, नहीं तो भाई और अपना वो मॉन्स्टर वाला स्टेरिंग आया हुआ उसको लेके चलते हैं। अगर वो नहीं होता फिर स्टेरिंग तो फिट करवा लेंगे। बाकी भाई देखो अभी अपना मॉन्स्टर वॉश भी होने वाला है क्योंकि गंदा बहुत हो गया, क्योंकि सीज़न भाई चल रहा है अब, ठीक है। अब धानों का सीज़न ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भाई अब गन्ना क्या कहते हैं गन्ने का शुरू है, जमीन जमुन तैयार करते हैं। बाकी देखो भाई दोनों का लुक चेक करो भाई, अब एक बार देखो भाई कैड़ी लुक आ रही भाई, देखो भाई ठीक है भाई। तो भाई ये वाले धान अपने क्या कहते हैं थोड़े ना हरे थे, ठीक है। तो ये हमने घर पे डाल लिए थे कि थोड़े वैसे हो जाएंगे, ये हरे ज़्यादा थे तो इसको भी अब ठीक हो गए। ये देखो अब तो ठीक है, अब इन्हें भी बेचाएंगे जाके। तो बाकी चलो भाई आपको दिखाता हूँ अपने मॉन्स्टर का जो सामान खोल खोल के रख रखा है। तो बाकी अब स्टेयरिंग उठाते हैं तो निकलते हैं। लो भाई अपना सारा सामान इधर ला के रख दिया था मैंने ऊपर वाले कमरे में। तो बाकी भाई ये अपना स्टोर रूम ही समझो ऊपर, बाकी अपना जो सिलेंसर भी जॉन डियर का पड़ा, स्टीयरिंग दोनों ट्रैक्टर के, और बाकी भाई क्या कहते हैं अपना मॉन्स्टर वाला स्टीयरिंग लेके चलते हैं। ये देखो यार भाई ने ना बीच में फिट नहीं करके भेजी यार, अब अलग से इसकी माथापाची करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई स्टीयरिंग निकाल लेते हैं तो इसका अंदर फिट करने वाला भी, चलो फिर अपने आगे मिलते हैं एक बार निकाल ले। तो भाई अभी तो अपना काफ़ी सामान पड़ा है मॉडिफिकेशन वाला, तो वो भी धीरे धीरे अगर होगा तो करवाते रहेंगे ना धीरे धीरे। पहले तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है सिस्टम। लो भाई निकल दिए थे घर से, तो भाई जा रहे हैं मझोला, देखते हैं अपना आज। वैसे ज़्यादा कोशिश मैं यही करूँगा कि अपना सिलेंसर वाला काम बन जाए, ठीक है। वो भी बहुत मैंने वीडियो देख रखी है, बहुत बढ़िया है वो भी, आपको अगर बन गई ना बात तो बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी चलो देखते हैं, नहीं तो फिर स्टेरिंग तो है ही नहीं, तो स्टेरिंग फिट करवा लेंगे अकेला। और बाकी भाई स्टेरिंग में भी काफ़ी वो करनी पड़ेगी, उन्होंने अलग अलग भेज दिया सब। तो बाकी देखो भाई पूरा सीजन चल रहा है भाई, जुताई उतई हो रही है ज़मीनों की। चलो भाई आगे मिलते हैं, ठीक है। लो भाई करो अपने गुरुद्वारा साहब के दर्शन। भाई अपने गुरुद्वारा साहब में आज प्रोग्राम भी है, पाठ रखा गया है, परसों भोग पड़ेगा। लो भाई ये आ गया भाई अपने गांव का मोड़, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है, इधर पड़ जाता सेड़कुल, तो भाई इधर पड़ता मझोला। तो बाकी भाई चल के देखते क्या फिट करवाते भाई। तो आज तो फिर भी मौसम ठीक है, बस भाई कई भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि यार मेरे सिस्टम 15-16 तारीख हो गई। तो भाई स्टोरी लगाई थी हमने, जिसने जिसने देखी होगी इंस्टा पे स्टोरी लगा दी थी, मेरे सिस्टम अपना रेडी हो गया, बस अब खाली आने की दो है, आज या कल में अपने पास पहुंच जाएगा, आज शाम तक या कल शाम तक अपने पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहने का मतलब 18 तारीख को अपने पास आ जाएगा भाई। अब क्या करें यार, आपसे ज़्यादा तो हमें फ़ोन कर करके हम भी भाई को कह कह के यार बड़ी अब की यार काफ़ी ना वो हो गया। चलो कोई नहीं, अगली बार से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अब की यार नए हैं ना, पहली बार हम कोई काम करवाएं तो खुद जाके ही करवाया करेंगे पास में। तो बाकी चलो भाई अब चल के मिलते हैं आपको सीधा मझोला। लो भाई आ गए थे मझोला यार, तो अपना मॉन्स्टर खड़ा है उधर। तो भाई आज इनके पास भीड़ ही बहुत है देखो। तो भाई भाई को कह दिया मैंने कि अपना स्टेयरिंग फिट कर दे, पहले देखता हूँ यार कि अपना वैसे ही काम चल जाए अगर थोड़ा क्या कहते हैं और फोटो इसी स्टेयरिंग में अगर लग गई ना तो इसमें लगवा लेंगे, नहीं तो भाई नया स्टेयरिंग उसी में लगाएंगे। तो बाकी एक बार भाई फ्री हो जाए फिर उसके बाद लगवाते हैं, ठीक है। तो भाई सीजन का टाइम है ना, तो देखो बेलर बुलर सब चल रहे हैं।
देखो भाई बेलर है ट्रैक्टर में, इस टाइम सीजन का टाइम है ना, तो भाई कोई ना कोई चीज कर देगा फिट स्टीयरिंग तो कर लेता कुछ, ऐसी खाली चाबी उठा घूमता तो भाई इधर लगे हो भाई लो। इसके बाद अपना ही नंबर है ठीक है, तो भाई एक बार भाई फ्री हो जाए तो उसके बाद अपना मोस्टर उधर खड़ा करना पड़ा भाई, नहीं तो इधर खड़ा करता मैं, जगह ही नहीं है भाई इधर। चलो भाई एक बार हो जाए तो उसके बाद अपने लगाते हैं, देखते हैं भाई वो जो उन्होंने स्पिनर भेजा ना फोटो वाला, वो भी ऐसे चिपकेगा नहीं भाई, चिपकाना पड़ेगा। एक बार स्टेयरिंग फिट हो जाए उसको तो बाद में चिपकाएंगे, तो चलो एक बार स्टेयरिंग फिट करवा लें तो आपके जैसे भी है साथ के साथ दिखाते रहें ठीक है ना। बाकी भाई म्यूजिक सिस्टम यार मैं तो खुद भाई जवाब नहीं दे रहा यार, मैसेज इतने आ रहे हैं तो, लेकिन मैं भी यार किसी का रिप्लाई नहीं, मैंने इस ब्लॉग में चलो बता दिया कि यार आप लोग भी कहते हो कि कहाँ 15-16 फिर 17-18 भाई क्या करें यार, कोई नहीं अगली बार से ये चीज़ होगा ना ध्यान रखेंगे, अभी यार पहली बार नए नए बंदे ना। चलो वैसे तो भाई ने यार उसने अपनी तरफ से ऐसे नहीं है कि जानबूझ के लेट करा यार, काम ही बहुत है इस टाइम। चलो फिर मिलते हैं, लो भाई भैया ने काम शुरू कर दिया था अपने ट्रैक्टर पे। देखो भाई तो भाई देखते हैं यार, तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि इसको काट कटिंग कर दे, एक मिनट दिखाऊँ इनको दिखाता हूँ। तो चलो एक बार पहले आपको दिखा दूँ फिर भैया से पूछता हूँ कि कोई कटिंग वाला हो ना अगर, तो भाई तो फोटो वैसे कटेगी नहीं है क्योंकि यार लेजर कटिंग वाला भाई कोई होगा नहीं मझोला में, तो लेकिन भाई हमने जो सलेंसर का भी काम करवाना था, लेकिन पता क्या करेंगे पैप स्टील का पैप मंगवा लेंगे ठीक है, तो फिर वो काट के फिर यहाँ लगवा लेंगे, क्योंकि यहाँ स्टील का वो मोटा पैप चाहिए ना, तो मिलेगा भी नहीं यहाँ। देखो भाई भाई सीजन का टाइम है तो भाई रोने पूरी, देखो तो चलो भाई एक बार भैया फिट करवा लूँ, भाई लोग खड़े होके देखते हैं भाई, अभी सिस्टम लग जाएगा तो पूरा सिस्टम हैंग कर देगा भाई ठीक है। तो बाकी चलो एक बार भैया से मैं पूछ लूँ कि वो फोटो की कटिंग हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर तो भाई स्टेयरिंग लगना ही है ना नया वाला। चलो हम आगे मिलते हैं। लो भाई भाई अपना मोस्टर स्टेयरिंग लग गया था भाई, पिछली 3-4 क्लिप है ना अपनी ख़राब हो गई, तो सर दोबारा से शूट कर रहा हूँ, पीछे ना जितनी मैंने क्लिपें शूट करी 3-4 थी यार, माइक के चक्कर में ये बहुत हो रहा है जब से माइक ले लिया ना, तो भाई बाकी क्या कहते हैं 3-4 क्लिप ख़राब हो गई, दोबारा से शूट कर रहा हूँ भाई, अब अरे पूरा ब्लॉग मेरे को दोबारा से शूट करना पड़ेगा भाई, 4-5 क्लिपें कम से कम 8-9 मिनट का ब्लॉग बेकार हो गया, लेकिन उसमें से फिर भी 1-2 क्लिप डाल देंगे। तो बाकी भाई देखो मॉनिटर की अपनी की हाल है, बाकी यार अब चलते हैं थोड़ी देर में घर पे, यार पिज्जा उज्जा पैक करवाने आया था तो करवा के भाई निकल लेंगे ठीक है। तो बाकी तो यार सही कर दिया लेकिन थोड़े दिन के लिए ठीक है, उसके बाद इसको इतना कटवा देंगे ठीक है, उसके बाद स्पिनर की तरह बनवा देंगे फिर सही रहेगा, लेकिन अब भी बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को ये लग रहा है यार ब्लॉग बेकार हो गया भाई, कम से कम 4-5 क्लिपें ख़राब होंगी ब्लॉग की, वो भी माइक के चक्कर में, माइक डाउन हो गया ना तो उसके मैं पीछे से ये निकालने भूल गया एक यार हट। चलो कोई बात नहीं 1-2 क्लिप लगा दूंगा बाकी रहने दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें आवाज़ नहीं आ रही ना, तो चलो अब आगे मिलते हैं आपको, पूरा ब्लॉग मेरे को फिर से शूट करना पड़ेगा, नहीं तो अब क्लिपें थी मैं दिखाता, मैंने वहाँ स्टेयरिंग फिट कराया सब कुछ। लो भाई यहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह लेके जाते हैं मझोला से, भाई लोकल के तो भाई बंदे आया करो पिज़्ज़ा हट ठीक है। बाकी भाई यही पिज़्ज़ा पैक करा रहा था, पूरे मझोला में तो यहीं पर है और तो है नहीं यार, और बाकी इनका टेस्ट भी बढ़िया है, यहीं से मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था, रील्स वगैरह डाली थी, तो बाकी भाई देखो चल तो भाई अभी पैक कर रहा है, बाकी देखो भाई लुक तो बढ़िया आ रही ठीक है। बाकी यार ब्लॉग पे बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई, ख़राब हो गया जो, चलो कोई नहीं कितनी क्लिपें बाकी मैं कर लूँगा ठीक है। लो भाई यही मैं घर को निकल गया था, जा रहा हूँ घर को, तो भाई पहले 3-4 क्लिप में जैसे पहले ही बता के था उसने ब्लॉग की ख़राब हो गई भाई, वो माइक तो ले लिया यार लेकिन माइक ना गड़बड़ बहुत कर रहा है भाई, और माइक भी हमने बढ़िया कंपनी का मंगाया लेकिन फिर भी एक माइक वैसे ख़राब हो गया,
तो भाई दूसरा बाइक डाउन, क्योंकि ना बैटरी हेल्थ तो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, तो उसके बाद भाई डाउन हो जाता हमें पता नहीं लगता, हम बैटरी रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो उसके बाद जब देखते हैं भाई क्लिप में डाउन ही नहीं होती है, तो इस चक्कर में भाई हम बाइक कम यूज़ करेंगे, जहाँ तो इससे भी बढ़िया बाइक मंगाएंगे फिर बात बनेगी यार। नहीं तो अपनी तरफ से पूरे बढ़िया माइक मंगवाए थे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो भाई बाकी देखो दोबारा से, नहीं तो मैं ब्लॉग एंड कर देता भाई यार, मैंने कहा चलो थोड़ी क्लिप ले लूँगा, क्योंकि ब्लॉग तो पीछे ख़राब हो गया 3-4 क्लिपों में। बाकी देखो भाई फिर बहुत गजब लग रहा भाई, लेकिन ये अपने जो अपने डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले नहीं दिख रही भाई, ऐसा देखनी पड़ेगी। ये देखो तेल वगैरह देखना है या वो गर्म वाली सुई देखनी है, बाकी भाई ऐसे करके देखना पड़ता है, बाकी कोई टेंशन नहीं, बहुत गजब लग रहा है। चलो भाई अब आपको आगे मिलते हैं, ठीक है। लो जी भाई आ गया था मैं घर पे, तो आपको जैसे दिखाया ना भाई स्टेयरिंग लग गया भाई अपना मॉन्स्टर वाला, तो भाई काफ़ी दिन से पड़ा था तो मैंने सोचा ना लगवा देता हूँ यार, फिर उसकी ना जो क्या कहते हैं वो स्पिनर था ना, वो उसका भाई ख़राब हो जाता, आपको इसमें दिखेगा पता ही नहीं, वही वैसे भी ना थोड़ा थोड़ा ना वैसे होने लगा था ये ख़राब सा, तो मैंने कहा यार पड़ा पड़ा स्क्रैच पड़ जाएंगे, तो इससे सर लगवा देता हूँ। तो बाकी भाई अभी अपनी वो रह गई हैं अपना होलड, तो अभी अपना क्या कहते हैं एक तो रेड बत्ती रह गई है और एक स्टार लाइट रह गई है, और एक भाई वो मंगाई थी लेज़र लाइटें, तो वो तो हुड के ऊपर लगेंगी जब अपना हुड लग जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें अभी और पड़ी हैं तीन, वो भी लगवा दें। बाकी भाई स्टेयरिंग एक नंबर लग रहा, आप भी बताना कमेंट करके, जे मेरे को स्टेयरिंग उस स्टेयरिंग से भी बढ़िया लगा, क्योंकि इसकी वो क्या कहते हैं फ़ोटो वाला है ना, तो मेरे को तो बढ़िया लगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी लग रहा है उससे, तो और भाई लुक भी पूरी बढ़िया आ रही है। बाकी आप बताना कि आपको कैसे लगा, ठीक है। चलो भाई अपना आज का ब्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस।